Hello and assalamu alaikum. Sabiha Imran here, your teacher at Park English Link. Today we are going to learn about all the tenses in just 20 minutes. So let's start without further ado. There are three tenses basically. तीन ज़माने होते हैं यानी present जिसे हम उर्दू में हाल कहते हैं, past यानी माजी and future यानी आने वाला वक्त या मुस्तक़बिल. और इन ज़मानों को मज़ीद specifically बयान करने के लिए four aspects होते हैं. सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, अनपरफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसके चार एस्पेक्ट्स या पहलू कुछ इस तरह से होंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो इज द केस विद द रेस्ट ऑफ द टू टेंसेस दैट आर पास्ट एंड फ्यूचर. अगर पास्ट और फ्यूचर के भी चार चार एस्पेक्ट्स को जमा कर लें तो हमारे पास टोटल 12 टेंसेस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट ईच एस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज थ्री टेंसेस. The first tense to go with is simple present tense. Simple present tense इस्तेमाल किया जाता है जब हम बात करना चाहते हो रूटीन की या फैक्ट्स के बारे में या नेचुरल फिनोमिना के बारे में या आदतों के बारे में. जैसे कि मैं रोजाना सुबह चाय पीता हूँ. I drink tea every morning. Ali goes for a long walk on weekends. Ali weekends पर चहलकदमी के लिए जाता है. Children often play online games after school. बच्चे अक्सर स्कूल के बाद ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं. अगर फैक्ट्स की बात करें तो Maria works as an engineer. ये मरिया की लाइफ का फैक्ट है. You dance very well. तुम बहुत अच्छा डांस करते हो. Water boils at 100 degree Celsius. यानी पानी 100 degree Celsius पर उबलता है. इसी तरह सूरज मशरक से निकलता है. मॉनसून के महीने में खूब बारिशें होती हैं. ये सब फैक्ट्स हैं. प्रेजेंट सिंपल को बनाने के लिए पहले हमें एक सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ द एक्शन चाहिए और उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म या बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दीज टू सेंटेंसेस. मैं रोजाना सुबह चाय पीता हूँ. आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग. मरिया एक इंजीनियर के तौर पर काम करती है. मरिया वर्क्स एज एन इंजीनियर. हियर यू मस्ट हैव नोटिस दैट जब हमारे पास सब्जेक्ट एक नाम है यानी मरिया है तो वर्ब में एस का एडिशन किया गया है जबकि सब्जेक्ट आई के साथ ऐसा नहीं है. तो आपको याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाता. लेकिन अगर सब्जेक्ट आपके पास ही, शी, इट या कोई एक नाम है तो फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड करना है. एस और ईएस लगाने के लिए हम सिंगुलर प्लूरल के जो रूल्स हैं वही इस्तेमाल करते हैं. इसके साथ ही अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं उन कामों को बताने के लिए जो इस वक्त हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग राइट नाउ एंड यू आर लिसनिंग टू मी इंटेंटली. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए पहले हमें सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ द एक्शन को मेंशन करना है. उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, एम इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल होगा. यहाँ आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा एम, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज, जबकि यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर इस्तेमाल करना है. लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स. आई एम ड्रिंकिंग टी राइट नाउ. मैं इस वक्त चाय पी रही हूँ या पी रहा हूँ. इट इज रेनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश हो रही है. We are having breakfast. हम नाश्ता कर रहे हैं. Let's move ahead. Now we are going to have a look at simple past tense. Past simple इस्तेमाल होता है उन activities के बारे में जो माजी में शुरू होकर माजी में ही खत्म हो गई हो. इस tense को बनाने के लिए हमें subject को पहले mention करना होता है और फिर verb की V2 form या second form इस्तेमाल होती है जिसे past tense भी कहते हैं. Let's have a close look at the examples. I played football with my friends last Saturday. पिछले हफ्ते मैंने अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेली. She gave me a present for my birthday. उसने मेरी सालगिरह पर मुझे तोहफा दिया. We received the package this morning. इस सुबह हमने पैकेज वसूल किया. My grandfather built this house in 1970 and I stayed in this house for a week. Now it's time to look at past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है जब हम उन कामों के बारे में बताना चाह रहे हों जो माजी में हो रहे थे. यहाँ ये वर्थ नोटेड है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल आम तौर पर सिंपल पास्ट के साथ किया जाता है. यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था जो कोई दूसरे काम की वजह से इंटरप्ट हो गया. जैसे कि मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था जब दरवाजे की घंटी बजी. ऑन गोइंग एक्शन ये था कि मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था
और ये काम इंटरप्ट हुआ एक दूसरे काम की वजह से, यानी डोर बेल बजी। I was having dinner with my family when the doorbell rang. Past continuous tense को बनाने के लिए पहले subject को mention करना होता है, फिर आपने helping verb past के इस्तेमाल करने हैं जो कि was और were हैं, और उसके बाद हमें verb की ing form इस्तेमाल करनी है। I, he, she, it और singular noun के साथ हम was इस्तेमाल करते हैं, जबकि you, we, they और plural noun के साथ हम were इस्तेमाल करते हैं। Let's have a look at the other examples. I was having dinner with my family when the doorbell rang. It was raining when Suzanne left the school. The power went out while the children were studying. While we were waiting at the bus stop, we saw a car accident. Now let's have a look at present perfect tense. We use present perfect tense to talk about actions that started in the past but finished in the recent present. यानी ऐसे काम जो माजी में शुरू हुए लेकिन अहम बात यह है कि वो रिसेंटली खत्म हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। इंग्लिश लर्नर्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी इसमें क्या फर्क है। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ और मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। अगर आप इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि काम प्रेजेंट या हाल ही में खत्म हुआ है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप किसी बात को माजी के हवाले से बताना चाहते हैं प्रेजेंट के हवाले के बगैर तो फिर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज का इस्तेमाल होगा और उसके बाद वी थ्री यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। हम ही शी इट या सिंगुलर नेम्स के साथ हैज इस्तेमाल करते हैं, जबकि I, you, we, they और plural names के साथ have इस्तेमाल किया जाता है। Let's have a look at a few examples about the recently completed actions or events and how they are different from past simple tense. I have finished my homework. I finished my homework at 6:30 p.m. Arthur has lost his glasses. Arthur lost his glasses at the party. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सपीरियंसेस के जिक्र के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट मेरा तजर्बा बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं इसका जिक्र एक पास्ट एक्शन के तौर पे करूँ तो वो कुछ इस तरह होगा, आई टॉट मैनी स्टूडेंट्स व्हेन आई वॉज अ टीचर। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम सॉर्ट आर, अली हैज विजिटेड फ्रांस 4 times। अली विजिटेड फ्रांस इन 2015। We have watched 2 movies this week. We watched 2 movies last night. Present perfect tense leads us to present perfect continuous tense. Let's have a close look at it. Present perfect continuous tense इस्तेमाल करते हैं जब आप बताना चाहते हैं कि ऐसे कामों के बारे में जो माजी या पास्ट में शुरू हुए हों लेकिन अभी तक जारी हों या कंटिन्यूड हों। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले 26 सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। I have been teaching to students for the last 26 years. इस टेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसके बाद इस्तेमाल की जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस टेंस इज दैट इसमें वक्त का रेफरेंस जरूर होता है, जैसे कि कल से, 4 महीनों से या सारा साल वगैरह। अगर आपको काम शुरू होने का वक्त या स्टार्टिंग टाइम बताना हो तो आप सेंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सुबह से बारिश हो रही है। यहाँ सुबह से बारिश शुरू होने का स्टार्टिंग टाइम है, सो हम कह सकते हैं कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपको काम शुरू होने से अब तक का दौरानिया या ड्यूरेशन बताना हो तो आप इस्तेमाल करेंगे फॉर, जैसे कि पिछले 4 घंटों से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 4 आवर्स। और कुछ टाइम फ्रेजेस जैसे कि ऑल मॉर्निंग, ऑल दीज इयर्स, ऑल डे, Another time phrases of the sort, हम since या for इस्तेमाल नहीं करते। For example, it has been raining all morning. I have been waiting to see the principal for 2 hours or since 5 p.m. She has been learning English for 8 months or since last October. We have been living in this town for a very long time or since 1980. The next tense that we are going to discuss is past perfect tense. Let's Understand it. अगर आपको पास्ट के किसी 2 इवेंट्स या एक्शन का जिक्र करना हो जिनमें से एक एक्शन पहले हुआ हो और दूसरा एक्शन उसके कुछ वक्त बाद हुआ हो
तो पहले एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में डिस्क्राइब करेंगे। मिसाल के तौर पे जब पुलिस पहुंची चोर भाग चुका था, हम पहले वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस में मेंशन करेंगे, जबकि बाद वाले एक्शन को पास्ट सिंपल टेंस में बताया जाएगा। When the police arrived, the thief had already escaped. पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। Now let's have a look at the other examples here. I was sick because I had eaten too much the previous night. The girl looked very familiar. I had seen her somewhere before. The movie had started when we got to the theater. Past perfect tense has now brought us to past perfect continuous tense. Let's study it. अब एक और सिचुएशन है। अगर आपको पास्ट के दो एक्शन बताने हो जिनमें से पहला एक्शन हो रहा था, यानी ऑनगोइंग पास्ट एक्शन था, फिर दूसरे एक्शन ने उसे इंटरप्ट किया जो पहले कंटिन्यूअस एक्शन था, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा और दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में मेंशन किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, जब अली ने अपनी जॉब छोड़ी, वो 25 सालों से काम कर रहा था, तो यहाँ पास्ट का ऑनगोइंग एक्शन वो 25 सालों से काम कर रहा था है, जबकि दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में बयान होगा। Ali has been working for 25 years when he left his job. इस टेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद had been और वर्ब की ing फॉर्म इस्तेमाल होगी। Let's have a look at some more examples. I felt really tired because I had been driving all day. She had been waiting for 2 hours when the doctor finally arrived. The ground was wet because it had been raining for hours. When he quit his job at the factory, he had been working there for 12 years. Now let's start with the simple aspect of future tense, which is a bit tricky to understand. Future tense ka simple aspect bayan karne ke 3 ways hain. Sabse pehle going to plus first form of the verb, dusra tarika hai present continuous tense, aur teesra tarika hai will plus base form of the verb or the first form of the verb, jise hum aam taur pe future simple tense kehte hain. चले अब इन्हें वन बाय वन समझ लेते हैं। शुरू करते हैं गोइंग टू के साथ। जब आपको फ्यूचर के किसी इरादे या इंटेंशन का जिक्र करना हो या किसी फ्यूचर प्लान की बात करनी हो, तो आप गोइंग टू का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं अगले साल कार खरीदूंगा, आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। इसके बनाने का तरीका यह है कि आप सब्जेक्ट के बाद इज आर एम का इस्तेमाल करें और फिर गोइंग टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। We are going to buy a car. I'm going to start exercising regularly. Ali is going to take a vacation from work. Now, if you want to talk about situation in future which has been pre-arranged or fixed, you can take the help of present continuous aspect. आपने पहले से कोई arrange किया हुआ है काम या activity या कोई event या पहले से fixed हुआ हुआ है, तो आपको present continuous tense में बयान करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच वर्ल्ड कप मैच अहमदाबाद में होगा, ये पहले से फिक्स्ड या अरेंज्ड है, या अली की शादी अक्टूबर में होगी, तो आप कह सकते हैं अली इज गेटिंग मैरिड इन अक्टूबर। सम मोर एग्जांपल्स कुड बी, आई एम हैविंग लंच विद माय कॉलीग्स ऑन सैटरडे, वी आर फ्लाइंग टू दुबई द डे आफ्टर टुमारो, सना इज गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द 10th। फ्यूचर सिंपल एस्पेक्ट को बयान करने का एक और तरीका विल का इस्तेमाल भी है, जो हम उस वक्त करते हैं जब हमें कोई फौरी तौर पर किए जाने वाले फैसले या प्लान के बारे में बताना हो, या किसी ऑफर या पेशकश करनी हो, या कोई वादा या प्रॉमिस करना हो। इसे बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल और फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। Let's look at these examples to understand the concept of instant decision, offer and promise. May I have your order? Yes, I will have the chicken fried steak, please. This was about the instant decision. The phone is ringing. I will get it. Instant decision or maybe an offer. These files are really heavy. I will help you with them. This is an offer. I need $100 for some work. I will give you $100 after a week. It can be a promise. Future simple aspect is also used for making predictions. और future simple aspect हम मुस्तकबिल की पेशन गोइयों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप will plus verb की first form इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी prediction आपके जाती तजर्बे, experience या knowledge पर बेस करती है। You should watch this movie. I'm sure you will love it.
अगर आप गोइंग टू के साथ प्रेडिक्शन करते हैं तो आपकी पेशेंट गोई डिपेंड करती है कोई प्रेजेंट एविडेंस या सबूत या किसी ऐसी बात पर जो इस जानिब इशारा कर रही हो कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द स्काई, इट इज गोइंग टू रेन. मे बी द क्लाउड्स आर गैदरिंग एंड इट्स गेटिंग डार्क एंड यू आर मेकिंग अ प्रेडिक्शन दैट इट इज गोइंग टू रेन. मॉम इज गोइंग टू बी रियली हैप्पी व्हेन शी सीज माय ग्रेड्स. Now let's have a look at the summary or the overview of the uses of future simple aspect. We are going to buy a car. It is telling us about a plan. I'm having lunch with my parents on Saturday. It is a pre-arrangement. I will have the burger and fries combo, please. Instant decision. I'll help you with those files. It's an offer. Can you lend me $200? I'll pay you back next week. It's a promise. I think Spain will win the next World Cup. It's a prediction. Now, very quickly but effectively, we are moving towards the conclusion. Let's have a look at future continuous aspect. हम future continuous tense दो situation में इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले ऐसे situation को बताने के लिए जिसमें future या मुस्तकबिल में कोई काम हो रहा होगा, जैसे कि मैं अगले हफ्ते एक और वीडियो YouTube पर अपलोड कर रही होंगी इंशाल्लाह. इस टेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल बी और फिर वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं. टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स हैव अ लुक एट दीज एग्जांपल्स. कैन आई विजिट यू टुमारो एट 11 AM? एट 11 AM टुमारो आई विल बी रिसीविंग सम गेस्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट. डू यू वॉन्ट टू कम विद अस टू द मूवीज ऑन सैटरडे इवनिंग? नो आई कांट, आई विल बी वर्किंग अंटिल लेट. दूसरी सिचुएशन जिसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं वो है फिक्स्ड या रूटीन इवेंट्स को बताने के लिए. हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस और गोइंग टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं फिक्स्ड या रूटीन इवेंट्स बताने के लिए. लेट्स हैव अ लुक एट टू एग्जांपल्स टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेंसेस इन दिस सिचुएशन. आई विल बी स्टेइंग एट द हिल्टन होटल इन पोर्टलैंड और आई एम स्टेइंग एट द हिल्टन होटल इन पोर्टलैंड or I'm going to stay at the Hilton Hotel in Portland or I'm going to the cafeteria. Do you want me to bring you a coffee? Thanks, but don't bother. I'll be visiting it in a little while myself or I'm going to visit it a little while myself. Now this brings us to the concluding part of today's video on all the tenses together. I am going to explain you future perfect and future perfect continuous tenses together. अगर आप बात करना चाह रहे हो कि मुस्तकबिल में किसी सर्टेन पॉइंट तक या टाइम तक कोई काम हो चुका होगा तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस बनाएंगे. इसके लिए सब्जेक्ट के बाद विल हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं इस्तेमाल होगी. फॉर इंस्टेंस, बाय ऑगस्ट मरिया विल हैव सेव्ड $600. ये वक्त अब से लेकर फ्यूचर में किसी भी पॉइंट पर हो सकता है और फ्यूचर में किसी वक्त से लेकर मजीद आगे फ्यूचर में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्ज कर लें ये महीना अप्रैल का है तो अप्रैल से अगस्त भी हो सकता है या जून यानी दो महीने आगे से लेकर मजीद आगे यानी अगस्त तक भी हो सकता है. अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की. तो इसमें हम मुस्तकबिल या फ्यूचर में किसी पॉइंट पर पीछे देखते हुए इस काम के बारे में बताते हैं कि इसको होते हुए कितना अरसा गुजर चुका होगा. फॉर एग्जाम्पल, By August, Maria will have been saving money for 6 months. Future perfect continuous tense को बनाने के लिए subject के बाद will have been और फिर verb की ing form इस्तेमाल की जाती है. So there are two more examples to understand the concept better. The first one, by 6 PM we will have finalized the project. Future perfect continuous ongoing action in the future with duration would be by 6 PM we will have been working on this project for 10 hours. Here are two more examples to understand it fully. By 5 PM we will have painted the living room. So this was about future perfect tense, completed action in the future. If you want to talk about future perfect continuous tense, which is used to describe ongoing action in the future with duration, we can just give an example like by 5 PM we will have been painting the living room for 10 hours. Future perfect and future perfect continuous tenses are used more in writing than in speech or conversation. If you want to study these tenses in detail, you can strike the links which are given in description box below. So folks, this was all about the tenses.
If you are new to my channel, please hit the subscribe button. Like my video and share it with your family and friends. As more we share, more we learn. Take care and Allah Hafiz.